और रुड़की के यहां पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के यहां पर गणेशपुर में बीती रात घर में तमंचे लेकर यहां पर घुसे बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। महिला को यहां पर घायल करने के साथ ही यहां पर जो है कीमती सामान चोरी कर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि यहां पर गणेशपुर में भंवर सिंह नाम के व्यक्ति का आवास है। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे घर में भंवर सिंह का बेटा संदेश, उसकी पत्नी, माता और साथ ही 1.5 साल का बच्चा मौजूद था। संदेश के यहाँ पर अनुसार ही अचानक तमंचों के साथ 3 बदमाश उनके घर में घुसे और घर में मौजूद 1.5 साल के बच्चे के सिर पर तमंचा रखकर घर में लूटपाट करना शुरू कर दिया था। इसके यहाँ पर जो है माता को भी तमंचे की बट से घायल कर दिया था और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिल रही है जिसमें कि एक घर में कुछ लोगों के द्वारा घुसकर घटना की गई है। साक्षी संकलन किए जा रहे हैं, क्या घटना है, उनके द्वारा 100 नंबर की सूचना दी जाने की बात कही जा रही है। 100 नंबर की सूचना सर बताया गया, 3 बदमाश आए, घायल भी किया गया है। आने की सूचना बताई, लेकिन सर बताया जा रहा है कि वहाँ पुलिस नहीं पहुंची। 100 नंबर पर सूचना देने की बात उन लोगों के द्वारा कही जा रही है। मंदिर के पास में और मैं तो पढ़ाई कर रहा था अंदर, हूँ मम्मी बाहर बैठे थे बच्चे को लेकर ना, मेरा लड़का है जो 1 साल में, तो अचानक वो तेज तेज चिल्लाई बहुत मम्मी ना, चिल्लाने के बाद आई तो मैं बाहर आया, जब मुझे पता लगा सारा मामला। और तीनों के पास हथियार थे, 3 लड़के थे और लूटपाट भी करके ले गए और मम्मी का भी उन्होंने यहाँ पर मारी। बच्चे को छीन ले क्या करा? बच्चों को आगे मार देंगे, बच्चे का भी लगा। और 100 नंबर पर फोन करा दो, 100 नंबर पर फोन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।